bloody. ये देख लियो पानी की बौछार कर दी, ये देख लो। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा हम मुंजी की पौध के लिए खेत में छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये देख लीजिए, हमें इसके अंदर मुंजी की पौध बोनी है। हम लेट हो गए, हमारी जो चेरी थी, हम चेरी के लिए हम थोड़ा लेट हो गए इसके बोने में। चलो आज हमें आपको रोटावेटर का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ट्रैक्टर का, रोटावेटर का, दोनों का। ये देख लीजिए, छोटे ट्रैक्टर से तैयार कर रहे हैं। इसमें जो अगर हम बड़ा ट्रैक्टर लेकर आते हैं अपना, तो वो धुआं हुआ ट्रैक्टर खड़ा है, तो हमें इतना इससे काम भी नहीं था। जो हम बड़ा ट्रैक्टर लेकर आते हैं, और वो 8 फीट का रोटावेटर था, और ये थोड़ा ही खेत था, इसमें हमें मुंजी पौध बोनी है, तो उसके लिए हम इसे इस ट्रैक्टर को ले आए। ये देख लीजिए, और हम लेट इसलिए हैं मुंजी बोने में। जो हमारी ये चेरी है, ये हमने अपने डंगरों के लिए बोई थी या लेट की थी, ये देख लीजिए आप। हमने लेट चेरी बोई थी यार, तो इसलिए हमारी ये इस खेत में मुंजी भी लेट है। और जगह तो हमने लगा दी है, इस खेत में लेट है। बड़े ट्रैक्टर की जल्द ही वीडियो आएगी, जो ऐसे ही हम पूल में चलाएंगे उसको। ये देख लीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक, जो भाई मेरी वीडियो आज चैनल पर पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एक बार मैं आपको ना ट्रैक्टर टू व्हील के अंदर चलाकर दिखवाऊंगा, टू व्हील के अंदर ट्रैक्टर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? एक बार ना ट्रैक्टर को टू व्हील के अंदर देखते हैं, टू व्हील में। अब टू व्हील के अंदर देखते हैं ट्रैक्टर में कुछ फर्क पड़ता है क्या। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए आप, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही है, बस थोड़ा मोड़ पे दिक्कत आती है, हल्की सी, वो भी नहीं है ज्यादा खास। ये देख लियो पानी की बौछार कर दी, ये देख लो ट्रैक्टर की हालत, देख लो क्या हो गई। ये देख लीजिए ट्रैक्टर कैसा कर दिया पीछे। ये देख लो जी, अब हो गया तैयार ये। अब इसमें हम सुबह को बखेर देंगे बीज।
अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कुबेरों को तो आखिर इसमें बीज बखेर देंगे। अब बखेरेंगे तो इसके अंदर जो गारा है वो बीज के ऊपर आ जाएगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।